नमस्कार, आज के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कोविड अपडेट, भारत में संख्या 4000 पार, लॉकडाउन के असल भुक्तभोगी, भाजपा के 40 साल पूरे, कैसे एक हाशिए की पार्टी पहुंची सत्ता तक। हमारी जो पहली खबर है वो कोविड के अपडेट्स पर है। देश में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस खबर के पढ़े जाने तक देश में अब तक 4067 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में तो कोरोना पीड़ितों की आंकड़ा 500 का पार कर चुका है। महाराष्ट्र में भी आंकड़ा 700 के करीब पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 500 के पार पहुंचने के बाद 7 लोगों की कोरोना से भी मौत हो चुकी है। इस बीच होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने के कारण दिल्ली पुलिस ने 198 FIR दर्ज किए हैं। ये FIR पड़ोसी, घर के सदस्यों और फोन ट्रैकिंग के आधार पर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 278 मामले सामने आए हैं। आने वाले कुछ महीनों के लिए महाराष्ट्र मंत्रालय के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और आगंतुकों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फेस मास्क के किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामले दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। इसकी संख्या 12,74,031 हो गई है। दुनिया में कोरोना वायरस से 69,468 लोगों की जान जा चुकी है। चीन में कोरोना वायरस के 39 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 38 मामले ऐसे हैं जहां लोग विदेशों से संक्रमित होकर आए थे। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की तरफ। अगर लॉकडाउन को हमारी सरकार, समाज और हम सब ने जरूरी समझा है तो इसमें गरीब और अमीर के लिए बराबरी का नियम होना चाहिए था। हमें सोचना होगा कि क्या हमने क्यों इस तरह का देश बनाया है जहां संकट के वक्त लगता है कि ये एक नहीं बल्कि दो हिंदुस्तान है। यह सवाल पूछ रहे हैं हर्ष मंद, आइए सुनते हैं उन्हें। जो हमने पूरा लॉकडाउन, हम सरकार, समाज, देश, अगर ये ज़रूरी हमने समझा तो इसमें सिद्धांत और नियम गरीब और अमीर के लिए बराबर का होना चाहिए। हम सबको सोचना होगा कि हम लोग ने क्यों इस तरह का हिंदुस्तान बनाया है। जब इस तरह का संकट का वक्त आएगा लगता है कि एक हिंदुस्तान नहीं है बल्कि ये दो हिंदुस्तान है। मैं और आप घर में अगर बैठे रहेंगे ये 3 हफ्ते तो हमें अपनी तनख्वाह सुनिश्चित है, घर में जगह है जहाँ पर हम साफ रह सकते हैं, हाथ को साफ रख सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा आबादी है हिंदुस्तान की, जो इस हालत में रहती है, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, हम ऐसे दो हिंदुस्तान जैसे हमने बांटा है और इनमें से कोई बीमार होगा तो किस अस्पताल में जाएंगे, किस तरह का उनका इलाज होगा, क्या व्यवस्था उनके लिए होगी, क्या टेस्टिंग इनके लिए किया जाएगा, इनकी पहचान भी कैसे होगी, ये सारे सवाल हैं देश के सामने। मेरे हिसाब से आज ही सरकार घोषित करे और व्यवस्था करे कि हर असंगठित मजदूर को वेतन, न्यूनतम मजदूरी के वेतन मिले, और जो PDS राशन है, बहुत सारा अनाज है हमारे, लगभग 70 मिलियन मेट्रिक टन अनाज गोदामों में सरकार के हैं, उन गोदामों को खोल के इस तरह का अनाज हमें मुफ्त
हर परिवार के यहाँ पहुँचाने की हर कोशिश करनी चाहिए और इज्जत के साथ। गरीब होना ऐसा नहीं है कि आपकी कोई इज्जत बची नहीं है। इज्जत के साथ जीने का मौका हमारे सभी भाइयों और बहनों को मिले इस दौरान, इस संकट के वक्त में, ये हम सबका फर्ज बनता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद 8 महीने बाद केंद्र सरकार ने वहां के लोगों के लिए नए डोमिसाइल नियमों की घोषणा की थी। 31 मार्च को इसका गजट नोटिफिकेशन तैयार कर उसे 1 अप्रैल को आम जनता के लिए सार्वजनिक किया गया था, लेकिन 48 घंटे बीते ही नहीं थे कि केंद्र सरकार ने इस नोटिफिकेशन में संशोधन भी किया। हालांकि नए संशोधनों के बाद भी वहां की जनता खुश नहीं है। आइए देखते हैं श्रीनगर से न्यूज क्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट। अभी पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और पूरी दुनिया में भी लॉकडाउन है, और इसी लॉकडाउन के बीच में भारत की जो सरकार है वो ड्रकोनियन डोमिसाइल लॉज लेके आई है जम्मू एंड कश्मीर में। इस लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी बाहर के लोग यहाँ पे पिछले 15 साल से रह रहे हैं वो लोग यहाँ की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है वो बाकी इंडियन स्टेट से डिफरेंट है। हमारा जो एक्सेशन हुआ था इंडिया के साथ वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन पे हुआ था। दिस एक्सेशन इज द ओनली ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेशन के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए गए थे जो यहाँ की जॉब्स होंगे, जो यहाँ की लैंड होगी उस पर खाली और खाली जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का हक होगा। वर्ल्ड ह्यूमन क्राइसिस में चल रहा है, बट हमारी सरकार ने इसका भी फायदा उठाया और जम्मू कश्मीर में एक ड्रैकोनियन लॉ पास किया। उस ड्रैकोनियन लॉ की वजह से हमारे आने वाले कल में कितने रिपरकशंस हैं ये आप सोच ही नहीं सकते हैं। एक रिपरकशन ये भी है कि जो 15 साल से बंदा रह रहा है वो अब परमानेंट रेजिडेंट है जम्मू कश्मीर का। अब जो जम्मू कश्मीर बंदा लैंड ले रहा था अब उसको डिवाइड करनी पड़ेगी वो लैंड। अब ये भी सोचिए जो जम्मू कश्मीर वाले जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, अब जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिनको जॉब्स नहीं है, अब उनको पूरी कंट्री के साथ कंपटीशन है हर गेजेटेड और नॉन गेजेटेड जॉब में। अब रखा क्या जम्मू कश्मीर वालों के लिए बियॉन्ड पोस्ट, सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट, कॉन्स्टेबल पोस्ट? क्या ऐसे ही बचाए हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को? जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया था जम्मू कश्मीर युवाओं को 50,000 जॉब का, श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो 50,000 जॉब पूरी कंट्री के लिए रखे हैं, नहीं कि जम्मू कश्मीर लोगों के लिए। Number second, it is direct attack on the economy of Jammu and Kashmir. We have already a huge unemployment crisis and the government has been doing nothing about it. Rather what they did, they are giving away our jobs to the outstation people. In domicile laws se yahan pe jo demographical change ho sakti hai, jo yahan ki majority of the population hai wo minority of population mein change ho sakti hai, yahan ke culture ko khatra hai, aur yahan pe jo jobs hai jo yahan ke youth ke liye रखे गए थे इंडिया गवर्नमेंट ने, उनको खतरा है। वो जहाँ जिस इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको खाली क्लास 4 जो जॉब्स है उनके लिए उनको खाली रिजर्वेशन मिलेगी, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और ये कोई भी लोग जम्मू, चाहे वो जम्मू के हो, कश्मीर के हो या लद्दाख के हो, किसी को भी ये डोमिसाइल लॉज एक्सेप्ट नहीं है। It is going to create cultural chaos and identity crisis in Jammu and Kashmir, be it irrespective of religion, be it the Dogras of Jammu, the Paharis, the Kashmiri Pandits, or the Kashmiri Muslims, Sikhs, or whoever. So it's going to create a cultural chaos and an identity crisis when government will invite people from other states or other places to settle in the Jammu and Kashmir because of this new law. It's very undemocratic in nature because we have no representation
we have no government. So people are wondering, people from Jammu and Kashmir are wondering whose consent has been taken to introduce this law. 6 अप्रैल 2020 यानी आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को 40 साल पूरे हो गए। वह पार्टी जिसने 1984 के लोकसभा चुनावों में महज 2 सीट जीती थी, आज उसने लगातार 2 बार आम चुनावों में विशाल बहुमत हासिल किया है। इस उफान के पीछे क्या इतिहास है, आइए जानते हैं वरिष्ठ लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय से। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। आम समय में अगर अभी कोरोना वायरस महामारी हर जगह नहीं छाई हुई होती तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने स्थापना दिवस को बहुत धूमधाम से मना रहे होते। हम लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हम लोगों को चूंकि अल्टीमेटली जाके फिर नॉर्मलसी आएगी और चुनाव होंगे, तो हमको बीजेपी के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये पार्टी जो है 40 साल में जो एक तरह से इसमें बहुत लंबे समय तक बिल्कुल साइड में पेरिफेरल फोर्स के तौर पे थी, अब इस तरह से कैसे और किस तरीके से इतनी डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। भारतीय राजनीति में एजेंडा जो है करीब 25-30 सालों से यही पार्टी सेट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे थे। बीजेपी के प्रीवियस अवतार पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जो 1950-51-52 उस पीरियड से एक्टिव थी। वो एक तरह से संघ परिवार से जुड़ी हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी भले ही 1980 में गठित हुई हो, लेकिन उनके लोग, उनकी विचारधारा बहुत पुरानी थी, करीब 50 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। लेकिन बीजेपी ने अपने 5 साल में कुछ खास हासिल नहीं किया, बस एक छोटी सी ऑपोजिशन पार्टी बन के रह गई। जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 का जो चुनाव हुआ उसमें एक तरह से बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो गया। पूरे लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीती। 1989 के लोकसभा के नवे लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के 2 सीट से बढ़कर 85 हो। 1991 में जब दोबारा से लोकसभा चुनाव हुए वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकारें गिर जाने के बाद, तो बीजेपी ने 120 सीटें जीती। उनको ऑफिशियली ऑपोजिशन पार्टी डिक्लेयर किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने और उन्होंने बहुत गर्व के साथ ऐलान किया, बीजेपी इज नाउ द गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो कैसे हुआ बीजेपी का ये ड्रामेटिक एक्सपेंशन, किस तरह से एक बिल्कुल पेरिफेरल पार्टी इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर कुछ ही सालों में उभर के आ गई। 1986 में एक तो लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए अटल बिहारी वाजपेयी के स्टेप डाउन करने के बाद। जो लेट 1980s का जो पीरियड है ये वो भी पीरियड है जिस समय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व की राजनीति का काफी सपोर्ट पड़ा। इसके पीछे मूल कारण है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेके जो आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता और बाद में बीजेपी शामिल हुई इसमें, इसकी जो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ी। 1984 में ये आंदोलन शुरू हुआ और 89 के चुनाव आते आते बहुत इसका सपोर्ट बढ़ गया था। इसी वजह से बीजेपी का इतना इंपॉर्टेंट, इतना ड्रामेटिक राइज हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ऑफिशियली अयोध्या का जो डिमांड है वो 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर में जब उनका नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी तब एक रेजोल्यूशन पास करके उसको फॉर्मली अपने एजेंडा में लेके आए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो गया, लेकिन बीजेपी के नेताओं को पता था कि उनका एक सिंबॉलिक जो जिसको यूज करते थे एज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड वो खत्म हो गया। उनको ये भी पता था कि अभी तक वक्त नहीं आया है उस वक्त के हिंदुस्तान में जब पॉलिटिकल सेंटर स्टेज में राइट विंग से एंट्री हो सकती है। 1996 के चुनाव के पहले
इसी वजह से लीडरशिप की गद्दी दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी को सौंप दी गई और उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी, 13 दिन के लिए उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन उनको कोई समर्थन नहीं मिला। इसी वजह से उन्होंने 96 के एक्सपीरियंस के बाद ये तय किया कि उनको अपनी छवि को सुधारना पड़ेगा, उसको मॉडरेट करना पड़ेगा। 96 और 98 के बीच में बीजेपी ने कोशिश करके नए अलायंसेस जुटाए, नए पार्टीज को अपने साथ शामिल किया और 98 में फाइनली एक कोलिशन सरकार बना पाई। 6 साल तक राज किए वो लोग। उसी समय में जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे, जो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड थे, वो बैकसीट पे थे। 2004 के हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को पूछा गया था, आपकी पार्टी क्यों हारी, आपने तो बोला कि इंडिया शाइन कर रही थी। तो उन्होंने कहा गुजरात उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, गुजरात में पार्टी की लाइन सही नहीं थी। 2014 के जीत के बाद मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूरी तरह से हिंदुत्ववादी राजनीति को अपना लिया है। मौका कुछ भी हो, चाहे जाफराबाद में आंदोलन हो या फिर तबलीगी जमात का एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई इस तरह की मीटिंग हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा आज हिंदुस्तान का सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है और नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे पॉपुलर नेता हैं। पार्टी और उनके नेता यहां तक कैसे पहुंचे? एक हिंदू सेंस ऑफ एंजाइटी और पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग को प्रैक्टिस करके। कोरोना वायरस आज नहीं तो कल कंट्रोल हो जाएगा और फिर से नॉर्मलसी वापस आ जाएगी, राजनीति जैसे पहले चलती थी उसी तरह से चलती रहेगी। जिनकी जिंदगियां पूरी तरह से उजड़ गई हैं, वो फिर उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो फिर से वोटरों की लाइन में खड़े होंगे बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए। बीजेपी का 40वां स्थापना दिवस हर एक के लिए अवसर है उस पार्टी को समझने के लिए। किसी का विरोध तभी किया जा सकता है जब हम उसके बारे में कुछ समझें, उसके बारे में कुछ पढ़ें। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट, हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फॉलो कीजिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।